जौनपुर में दो जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। नवजात बच्चियों को देखकर सभी बहुत चक्के रह गए। दरअसल दोनों नवजात सीने से पेट तक जुड़ी हुई थी। कुछ लोग तो इसे भगवान का करिश्मा कहने लगे। जुड़वा बच्चियों की हालत परिजनों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन गरीब परिजनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बच्चियों का ऑपरेशन करवा सके, जिससे वो काफी डरे हुए थे। उनके काफी परेशान थे, हालांकि समझाने पे ऑपरेशन के लिए तो तैयार हो गए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत खर्चा वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, इस ऑपरेशन में खून की भी काफ़ी ज़रूरत होती। काफ़ी समझाने पे वो खून देने के लिए तैयार हुए, उन्होंने खून दिया भी, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी मुश्किल थी। पैसे का अच्छा खासा खर्चा होता है ऐसे ऑपरेशन में, उसकी प्लानिंग में, तो इसके लिए वो काफ़ी डरे हुए थे कि वो कैसे मैनेज करें। डॉक्टरों की सलाह पर विचार करने के बाद परिजनों ने दोनों बच्चियों को अलग कराने का फैसला लिया, जिसके लिए परिजन BHU आए। वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। जब जन्म लिए थे हम लोग, वो सीरियस थे। उसके बाद वहाँ पर पैदा हुए तो देखे तो जोड़ा था, तो मेरा तो आत्मा काँप गया था। उसके बाद मैं सोचा कि अब इसका ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा, लेकिन डॉक्टर लोग बोले जाओ बेचो में कम लगता है, जो लगेगा सो बाहर का लगेगा, तो अपना सोच के लेके हम लोग आए। दोनों नवजात बच्चियों को अलग करना डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के 20 डॉक्टरों की टीम ने दोनों को अलग करने का जिम्मा उठाया। पहली बार ये केस हमारे यहाँ आया, और इसको ऑपरेशन में चैलेंज ये था कि ये बच्चा सिर्फ 5 दिन के थे दोनों, और दो बच्चों का एक साथ ऑपरेशन करना था, क्योंकि अमूमन एक ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेशन होता है, तो उसके हिसाब से मशीनें सिर्फ एक होती हैं। ये एक तरीके से हो गया, दो ऑपरेशन एक टेबल पे एक साथ करना था, तो उसके लिए 2 दिन पहले से तैयारी शुरू की। मंगलवार को जब आया उसी दिन से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारी में दो ऑपरेशन की मशीन एक साथ लगाई गई थी, एनेस्थीसिया की OT में। डॉक्टरों ने दो ऑक्सीजन लाइन, दो पानी के लिए, बच्चों को जो ऑपरेशन फ्लूड चलता है उसके लिए लाइन, सब कुछ सेट कर किया गया पूरा ऑपरेशन थिएटर में। तो एक तरीके से एक नया पूरा सेटअप क्रिएट किया गया एक एग्जिस्टिंग ऑपरेशन थिएटर में, ताकि दोनों बच्चों को एक साथ ऑपरेट किया जा सके। अस्पताल में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी। बच्चियों का ऑपरेशन सफल हो, यही सबकी कामना थी। 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन ने परिजनों की नजर अटकी हुई थी। 4 घंटे के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को खुशखबरी सुनाई कि दोनों नवजात बच्चियां सलामत है और एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। ये सुनते ही परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टरों में भी सफल ऑपरेशन करने की खुशी झलक रही थी। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अभी बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हेड बहुत एक्साइटेड हैं, खास तौर से हमारी टीम और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो टीम के लीडर थे इसमें, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। शुरुआत इन द सेंस कि वो पेशेंट ऑपरेशन ही नहीं कराता तो सारी चीज़ें आती ही नहीं। वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सब कुछ उन्होंने पहली दफ़ा में फ्री कर दिया, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। बाकी ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, जो और भी जुड़े हुए बच्चे हैं जो कहीं गांव में हैं, किसी और शहर में हैं, जो सिर्फ इन चीज़ों से कि हम कहां जाएंगे, हम कहां ऑपरेट कराएंगे, हमारा क्या कॉस्ट होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे बच्चों के लिए हम लोग बहुत अच्छी सेवा दे पाएंगे, और कोशिश करके हम लोग आगे भी अच्छा काम करेंगे, और उनको भी हम लोग जो मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट होगा वो देने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऑपरेशन तो इसकी जटिल थी, जिसमें लीवर दोनों बच्चों का कामन था और दो छाती की कुछ हड्डियां कामन थी, उनको हम लोग काट के अलग किए हैं। अब दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। सर, ऐसा कहीं एक साथ होता है तो उसमें दिक्कतें कितनी आती हैं? इसमें कभी कभी जब दिक्कत हो, कभी कभी एक ही लीवर दोनों में कामन होता है, कभी कभी दोनों का खून की नसें एक ही कामन होती है, उसको सेपरेट करने में एक बच्चे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। डॉक्टरों की टीम और अस्पताल प्रशासन ने यहाँ परिजनों की जिस प्रकार से मदद की वो सराहनीय है। बच्चियों के पिता भी डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। राजेश, रहने वाले यूपी का, जौनपुर जिले का। नाम बता। मेरा नाम राजेश प्रजापति है। राजेश जी, ये बेटियाँ किसकी हैं और क्या स्थिति थी जब वो जन्म ली थी? जब जन्म लिए थे हम लोग, वो सीरियस थे। उसके बाद वहाँ पर पैदा हुए तो देखे तो जोड़ा था, तो मेरा तो आत्मा काँप गया था। उसके बाद मैं सोचा कि अब इसका ऑपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा, लेकिन डॉक्टर लोग बोले जाओ बेचो में कम लगता है, जो लगेगा सो बाहर का लगेगा, तो अपना सोच के लेके हम लोग आए यहाँ पे। लेके आए जो बाहर का दवा लगा वो छोड़ दिए हम लोग, कुछ नहीं उसके लिए, बस टेंशन था यहाँ का,
तो यहाँ का आप लोग बता दिए तो उसके लिए भी कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पैसे आप लोग के नहीं लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए हमको कि जब ये बेटियाँ आपकी पैदा हुई थी तो उसको लेकर के जब आप लोगों ने देखा कि ये लोग दोनों लोग एक ही में ज्वाइन थे तो कितनी चिंता हो रही थी? चिंता तो बहुत हो रही थी, कुछ नहीं तो लाख रुपये का खर्चा दिख रहा था उस समय। करते क्या है? मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ लूम लाइन में। अभी कुछ है बेटियों का सफल ऑपरेशन हो गया? बहुत। डॉक्टर लोग क्या रहे? डॉक्टर लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ, भगवान करे इन लोग को और स्मार्ट बनाए। इस ऑपरेशन में डॉक्टरों की दो बड़ी टीम बनाई गई। ऑपरेशन का खर्चा करीब 5 लाख था, लेकिन ये ऑपरेशन निशुल्क किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का मामला 10 लाख में से कोई एक होता है। फिलहाल दोनों बच्चियाँ एक दूसरे से अलग और स्वस्थ हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।